सर ये जो आज यहाँ पे आ रहे हैं, जी इनॉग्रेशन किया, सिग्नेचर का पैनिंग शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। पहले तो मैं आप सभी के माध्यम से हमारे डोडा के सारे भाइयों और बहनों को आज के इस स्वतंत्रता दिवस की, इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरे देश भर में और उसी के साथ साथ डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे नशा मुक्त भारत कैंपेन की शुरुआत आज यहाँ पे हुई है। इसी कैंपेन को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके माध्यम से सारे हमारे यूथ को, सारे लड़कों को, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को आज अपील करना चाहूँगा कि नशा हमारे जीवनों को ख़राब कर देता है, हमारे करियर्स को ख़राब कर देता है, हमारे फैमिलीज़ को तबाह कर देता है। इसीलिए आइए आज हम सब मिलके आज एक प्रण लेते हैं, आज एक हलफ लेते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं अपने आप को और समाज को कि हम किसी नशे के फिरक में नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार के नशे को हम जो अनदेखा कर देंगे। हमारी सारी रिलीजियस टीचिंग्स, सोशल टीचिंग्स, हमारी सारी सामाजिक टीचिंग्स यही कहती है कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए, अपने आप पर फोकस करें, स्पोर्ट्स पर फोकस करें और नशे के बिना एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। थैंक यू। जिस तरीके से डोडा में, खासतौर पर डोडा जो स्टेडियम बना हुआ है खेल कूद के लिए, उसमें कहीं बदलाव आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस आएंगे? क्योंकि खेलो इंडिया कैंपेन जो नरेंद्र भाई मोदी जी ने चलाया हुआ है, उसमें कोई यहाँ पे देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? देखिए, नशा मुक्त भारत के लिए एक जो उसकी थ्रेड है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ा देते हैं, ना ही कि सिर्फ डोडा टाउन में लेकिन आसपास के जो भी हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनमें भी, बैक टू विलेज में हो या फिर अलग अलग प्रोग्राम्स में हो, तकरीबन 250 के आसपास नए नए छोटे बड़े स्टेडियम्स बनाए गए हैं। उसी तरीके से आप देखेंगे पीछे हमारा इंडोर स्टेडियम का काम चल रहा है, उसको और तेज़ गति देने की ज़रूरत है। लेकिन आने वाले दिनों में और कोशिश की जाएगी कैसे ना ही सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इंडिपेंडेंट डे पे किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं, आप जानते हैं कि आज हमारा जो ये स्वतंत्रता दिवस था, इंडिपेंडेंस डे था, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके माध्यम से कोशिश की थी लोगों के घरों तक इस समारोह को पहुंचाया जाए। इसीलिए उसी का धागा निकालते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज तकरीबन 7 से 8 महीने हो गए हैं, हम काफ़ी हद तक हमारे ज़िले में हम सब कोरोना से अपने आप का बचाव करते, इसमें काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। इसी तरीके से आने वाले कुछ महीनों में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हालांकि अनलॉक शुरू हुआ है, लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। मास्क का यूसेज जो है वो हमें कंपलसरी करना है, बिना मास्क के बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर हम इन 2-4 चीज़ों का पालन करेंगे, मुझे पूरी आशा है हम इस महामारी के संकट से जल्द बाहर निकलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जाती सवाल है कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, क्योंकि आप बिल्कुल फिट हैं और उसके बाद अब जो ये कैंपेन चलाई जा रही है नशा मुक्त भारत, इसमें क्या आप भी जो योगा खासतौर पर जो भारतवर्ष में या पूरे विश्व में माना गया है कि वो एक्सरसाइज है जिससे इस नशा को हम दूर रख सकते हैं, क्या उस संदर्भ में भी कोई एक्टिविटी आप खुद जो है ऑर्गेनाइज करेंगे? पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने प्लेज लिया है, वो प्लेज लेना इतना आसान था क्योंकि मैं खुद जो है वो बिल्कुल इस चीज़ से, मैं उसमें अपने कल्चर और समाज को और मेरी फैमिली को मैं श्रेय देता हूँ। हम सबको देना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा हमें सीख दिखाई, उसी सीख को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि यूथ ने आगे बढ़ना चाहिए। और उसी के साथ साथ एक अपनी डेली दिनचर्या, मेंटल वेलबींग और फिजिकल वेलबींग, इस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि योगा उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। आप चाहे योगा करें, आप दौड़े,
आप जिम जाएं, आपको जो ठीक लगे वो करें, ये चीज़ें आप स्पोर्ट्स खेलें, आप अलग अलग मेंटल जो है एक्टिविटीज़ जो है वो करें, डिबेट्स में भाग लें, हिस्सा लें, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भाग लें, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करती है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं किसी को ये दो शब्द बताना चाहूँगा और कोई इससे प्रेरणा ले तो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात। डीसी डोडा, और डीसी डोडा का सिर्फ साफ तरीके से कहना था, जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई है नशा मुक्त भारत, ये पूरे भारतवर्ष में ये कैंपेन को जो है आज लॉन्च किया गया है 15 अगस्त आज़ादी के दिन, और इसको 31 मार्च 2021 तक जो है जारी रखा जाएगा। और इसमें एक ही प्रण लिया गया है जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान का प्रण लिया गया था कि किसी भी तरीके से जो है भारत को नशा मुक्त करना है, भारत में जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को जो है बढ़ावा देना है, और भारत में जो है एक नई उमंग का एक आगाज़ शुरू होने वाला है। हम इसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर जो यहाँ के हैं मिस्टर ज़ुबैर, उनसे भी बात करेंगे और आप तक ये खबर पहुँचाएँगे। हमारे साथ हैं मिस्टर ज़ुबैर जी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, अब हम इनसे बात करते हैं। ज़ुबैर जी आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू वेरी मच। ज़ुबैर जी सबसे पहले कहें ये बात हमें बताएं कि नशा मुक्त भारत कैंपेन जो पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में होंगे और किस तरीके से वो काम जो है शुरू होंगे? देखो ये जो नशा मुक्त भारत जो कैंपेन है जो आज 15 अगस्त को शुरू हुई है 272 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू हुई है, जिसमें से डोडा डिस्ट्रिक्ट भी एक पर जो सर्वे है उसमें आया है। तो इसमें जो है ये जो प्रोग्राम है 15 अगस्त 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 में है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने रखी है जो हमने 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक हमने करनी है। इसमें हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम फोकस इसमें अवेयरनेस के ऊपर होगा, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा जो एजुकेशनल स्टेट जो है इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें होगा, वहाँ पे डिबेट कंपटीशन करवाया जाएगा, ऑनलाइन ऐसे कंपटीशन करवाया जाएगा, पेंटिंग करवाई जाएगी, स्लोगन राइटिंग करवाई जाएगी। उसके बाद जो है इसमें हम कुछ वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, वो वॉलंटियर्स क्या करें, कोई 50 वॉलंटियर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और वो वॉलंटियर्स क्या करें, उनसे हम एक सर्वे करवाएंगे कि ये हमारे पास जो मोस्ट जो हॉट स्पॉट जो वर्नेबल एरियाज यहाँ हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन लोगों को उसके फिर बाद फिर काउंसलिंग की जाएगी कहीं जगह पे जहाँ पे ये लोग्स जो हैं जो पहले ड्रग्स लेते थे उसके बाद उनने अब ये ड्रग्स छोड़ दिया है, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे ताकि उनको फैसिलिटेट करने से बाकी लोगों में भी वो आइडियाज या वो क्या बोलते हैं उसको पहचान आ जाएगी कि ये जो ड्रग्स है ये हमारी जो लाइफ के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ड्रग्स करने से हमारी पूरी लाइफ फैमिली सारी इफेक्टेड होती है। इसलिए हम इसको 15 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हमारे कॉलेजेस होंगे, इसमें से स्कूल क्लब्स बनेंगे, स्टूडेंट्स के क्लब्स इन स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज़ में, तो पूरी कंपेन जो है 15 से लेकर 31 मार्च तक, और मेन फोकस इसका रहेगा हमारे अवेयरनेस के ऊपर और वर्नेबल एरियाज जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर जो है जो भी हम चाहें उनको फिर हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ ले लें या किसी भी मतलब स्किल की तरफ ले लें ताकि ये जो लोग हैं ये इस चीज़ से अपना छुटकारा पाए और ये जो है नशा है इसे छुट जाए। ज़ुबैर जी क्या ऐसा कोई डेटा आपके पास अवेलेबल है जिसमें आपको पता हो कि भाई डोडा में खास तौर पे कितने लोग हैं जो नशे से पीड़ित हैं? देखो अभी एग्जैक्ट डाटा अभी हमारे पास नहीं है, इसी के लिए जो हम इसमें सर्वे करेंगे। अच्छा। और सर्वे जब हो जाएगी तो उसके बाद हम आपसे ये डाटा शेयर करेंगे कि डोडा में हमारे पास वर्नेबल स्पॉट्स कहाँ पे हैं, किस चीज़ का जो ड्रग्स है इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाता है, अल्कोहल आ जाता है, कोकेन आ जाता है, तो इसमें जब हम सर्वे करेंगे तो सर्वे करने के बाद ही हम बताएंगे कि हमारे पास किस टाइप का जो ड्रग्स है ये लाइफ कंज्यूमिंग है या टेम्परेरी है, इस चीज़ का ये आफ्टर सर्वे हम आपको ये सारे डिटेल दे। दूसरा मैंने पूछना था जो लोगों का भी यहाँ सवाल है, यहाँ अल्कोहल की वजह से बहुत डोमेस्टिक वायलेंसेस होती है, तो उसके अंतर्गत कोई रिहैब सेंटर यहाँ पे खुलने वाला है आने वाले वक्त? ये जो है इसी नशा मुक्त भारत में जो क्या है कि इसमें एक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इसमें ऑलरेडी जो डायरेक्शन आ चुकी है कि हर हॉस्पिटल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलेगा, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारे सोशल जस्टिस जो है उनके लिए पूरा उनको स्टाफ मिलेगा, वो पूरा ऑलरेडी जो है वो कम्युनिकेशन डायरेक्टर हेल्थ को वो चली गई है इसके, क्योंकि जो लोग जिन लोगों को हम रिहैबिलिटेट करेंगे वर्नेबल स्पॉट से उठाएंगे उन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए हमारे पास कोई जगह होनी चाहिए, इसलिए हर हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें ये रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलेगा जहां पे उन लोगों को वो ट्रीटमेंट दी जाएगी, बाकी स्किल दिए जाएंगे ताकि वो इन चीज़ों से वो नशा। ये थे हमारे साथ ज़ुबैर जी जिन्होंने की एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आने वाले वक्त में ड्रग के खिलाफ जो है एक कैंपेन चलाई गई, नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई पूरे भारतवर्ष में, आने वाले वक्त में भारत नशा मुक्त होगा जिस तरीके से स्वच्छ अभियान आप सबने देखा कि स्वच्छ अभियान का भी प्रण लिया गया और उसके बाद आज जो है किसी हद तक जो है हम उस स्वच्छता को कामयाब कर चुके हैं, और आने वाले वक्त में भी आप जो है जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, हम आपको ऐसी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।